और आले और somebody like that जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया. आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग somebody कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. How can you talk like that? कंगना रनौत ने रणबीर कपूर पर साधा निशाना. कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ, आई थिंक किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणबीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया. तो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट. हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात करते, दिस इज इररिस्पॉन्सिबल. दरअसल ये मौका था कंगना की फिल्म मनी करने का की सक्सेस बैश का, जहां कंगना ने रणबीर को आड़े हाथों लिया, वहीं उनकी कजन सिस्टर करीना की तारीफ भी की. करीना इज एब्सोल्युटली लवली एंड आई थिंक शी इज वन ऑफ दोज वेरी ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड पीपल. आई ऑलवेज सी हर एंड आई फील दैट यू नो यार, मतलब एक कलाकार हो तो ऐसी हो, वाइफ हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो, यू नो शी इज़ दी एपिटमी ऑफ अ परफेक्ट वूमन. और वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजती हैं. लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी. कंगना फिल्म मनी कर्णिका की सक्सेस से जहाँ खुश दिखाई दी, तो वहीं फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज किए जाने पर दिया ये जवाब. When a film is distributed, they had the DCP. Which is the digital copy, उसको उनसे छीनने के लिए आर्मी भेजनी पड़ेगी जो हमने ऐसे ही बाई एयर भेजी थी, लेकिन उन्होंने मेरी डीसीपी वापस नहीं लाई. सो द थिंग इज दैट व्हेन यू कैन स्टॉप फ्रॉम फ्यूचर रिलीजेस टू हैपन, बट व्हाट इज इन देयर पोजेशन इफ दैट हैज टू बी टेकन फ्रॉम देम, यू नो. सो इट्स लाइक इट विल बी अगेन द सेम सिचुएशन. Well, definitely yes. Yes, if I'm producing a film, that is the route I will take. I mean, why should we? And it's not that it's a very big territory. It's almost insignificant. कंगना ने यहाँ ये भी बड़ा खुलासा किया कि उनकी लाइफ में someone special ने एंट्री ले ली है. You know, like being a young woman, do I have somebody in my life? Yes, but having somebody and dating. And marriage, ये लोग ये degrees है progress की. So let's see. कंगना के इस बेबाक और बिंदास अंदाज ने एक बार फिर बना दी हैं सुर्खियाँ.